कल हम लोगों की चर्चा इन्फ्लेशन चार्ट के ऊपर और अपनी चर्चा के क्रम में इन्फ्लेशन से जुड़े हुए विविध पहलुओं पर मैंने चर्चा की थी। इस क्रम में हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स की भी चर्चा की और होलसेल प्राइस इंडेक्स की चर्चा करते हुए हमने इस बात की चर्चा की कि बेसिकली देखा जाए तो इन्फ्लेशन को मापने के मोटा मोटी कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन प्राइमरली अगर आप देखें तो दो चीजों का हम सहारा लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का सहारा लेते हैं और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सहारा लेते हैं। दोनों से संबंधित आंकड़े जो है मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स से संबंधित आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। उसके लिए बेस ईयर 2011-12 का इस्तेमाल किया गया है और होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए जिस इन्फ्लेशन का सहारा लिया जाता, जिस कीमत को आधार बनाया जाता है वो है फैक्ट्री प्राइस। और अगर देखें विभिन्न मदों के भारांश के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में कुल 697 मद हैं, जिनमें 117 मद प्राथमिक उत्पादों से संबंधित हैं और उनका वेटेज 22.6% है। ईंधन और विद्युत, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे जुड़े हुए 19 मद हैं और उनका वेटेज 3.2% है। मैन्युफैक्चर्ड आइटम से जुड़े हुए 564 मद हैं, 564, और मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स का वेटेज 64.2%। मतलब यह कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चर्ड आइटम को सबसे अधिक वेटेज मिला है, उसके बाद प्राइमरी गुड्स आते हैं, अब प्राइमरी प्रोडक्ट्स आते हैं और लास्ट में फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो जो फूड इंडेक्स है WPI के अंतर्गत, तो फूड इंडेक्स का वेटेज 24.4% है और जो फूड आइटम्स हैं वो दो कैटेगरी में, एक प्राइमरी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में है और दूसरे मैन्युफैक्चर्ड आइटम की कैटेगरी में आते हैं। रेडी टू ईट फूड जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, या प्रोसेस्ड फूड की बात करूँ वो किस कैटेगरी में आएगा, मैन्युफैक्चर्ड आइटम की कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप जाकर के देखें इतने बिंदुओं पर हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी थी। कल के क्लासेज में दो चीजें इन्फ्लेशन की चर्चा के क्रम में मैं मिस कर गया था। एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, हिंदी में भी जो टर्म यूज होगा ये स्टैगफ्लेशन है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जितने आ रहे हैं तो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जरूर देखिएगा। सवाल यह उठता है स्टैगफ्लेशन कहते किसको है, तो अगर आप जाकर के देखें स्टैगफ्लेशन का मतलब है व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टैग्नेंट बट इन्फ्लेशन कंटिन्यूड। अब गौर कीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, इसमें स्टैग शब्द इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टैग्नेंसी का संकेत देता है और फ्लेशन शब्द जो है यह इन्फ्लेशन की निरंतरता का संकेत देता है, यह इन्फ्लेशन की निरंतरता का संकेत देता है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति खतरनाक होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, नहीं क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टैग्नेंट है और इन्फ्लेशन के कंटिन्यू रहने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रंट पर प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो और बढ़ता जा रहा है। स्टैगफ्लेशन टर्म UPSC ने PT में पूछा है, व्हाट डज स्टैगफ्लेशन मीन। क्लियर, बढ़े यहां से आगे तो एक और टर्म यूज होता है और वह टर्म क्या है, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कोर इन्फ्लेशन किसको कहेंगे, तो यहां पर ध्यान रखेंगे नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन, दैट इज नॉन फूड एंड नॉन फ्यूल। तो नॉन फूड और नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन जो है उसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। और नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन क्या होगा, मोटा मोटी कह लें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्फ्लेशन होगा, मोटा मोटी बातें स्पष्ट हुई, तो इसके लिए कोर इन्फ्लेशन संज्ञा का इस्तेमाल होता है। बढ़ूं यहां से आगे, अब दूसरा कंटेक्स है CPI इन्फ्लेशन, एक और टर्म यूज होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। सुना, एक टर्म यूज और होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, WPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन है उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो इन्फ्लेशन है इसके लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन संज्ञा का इस्तेमाल होता है। शब्दों से जरूर परिचित हों, शब्दों को जरूर ध्यान में रखें, उससे चीजें कंपैरेटिवली आपके लिए आसान होंगी क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग देखिए इकोनॉमी में क्या है, चाहे प्री की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, प्रश्न जो है करेंट ओरिएंटेड ज्यादा होते जो आपको ट्रेडिशनल भी लग रहे हैं, जो आपको प्रश्न कंसेप्चुअल भी लग रहे हैं, वे प्रश्न जो है
करेंट ओरिएंटेड ज़्यादा होते। अब करेंट ओरिएंटेड ट्रस्टों को अगर रिस्पॉन्ड करना है इफेक्टिवली, उसको अगर प्रिपेयर करना है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम न्यूज़पेपर से कनेक्ट करें, हम मैगजीन से कनेक्ट करें। और न्यूज़पेपर और मैगजीन से कनेक्ट करना जो है वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक टेक्निकल टर्म को लेकर क्लैरिटी ना हो, तकनीकी शब्दावलियों को लेकर के आप अस्पष्ट नहीं है। ठीक है, काम करके लाए हैं शैलेश जी? सौरभ जी, क्या काम करके लाए हैं? चलिए, अब अगर यहाँ से हम आगे बढ़े तो CPI, नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो होता तो इसको रिटेल इन्फ्लेशन कहते। सवाल यह उठता, यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं? नहीं, यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से रिलेटेड आंकड़े किनके द्वारा जारी किया जाता है? यहाँ ध्यान रखेंगे, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, MoSPI के अंतर्गत किसके द्वारा जारी किया जाता है? NSO के द्वारा, नेशनल सैंपल। क्या ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है ऑनलाइन क्लास कैंसिल हो गया, वो कुछ और हो गया? ठीक है, ये NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो जारी किया जाता है वो मासिक आधार पर। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसके लिए बेस ईयर जो है 2012 अपनाया गया, और ये अपनाया गया था 2015 में, 15 से पहले। अगर इसमें देखें, तीन कैटेगरी है, CPI अर्बन, CPI रूरल, CPI कंबाइंड। अगर CPI कंबाइंड में आप जाकर के देखें तो इनमें अगर आप देखें तो सबसे अधिक वेटेज खाद्य एवं पेय पदार्थ का है, इनका वेटेज जो है 45.86%। फिर आप देखें पान तंबाकू आदि, इसका वेटेज जो है 2.38%। तीसरा अगर आप जाकर के देखें वस्त्र जूते चप्पल, इसके वेटेज को जाकर के देखें तो 6.53%। चौथे हाउसिंग के वेटेज को देखें 10% वेटेज है। पांचवा अगर आप देखें फ्यूल एंड लाइट, इसके वेटेज को देखें तो 6.84%। और छठा अदर्स अगर देखें या मिश्रित, इनके वेटेज जो है 28.32%। प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाकर के देखें तो प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रश्नों के लिए आपसे, आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि डे टू डे लाइफ, क्योंकि CPI इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा जाता है, CPI इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बातें कही जाती हैं कि यह डे टू डे लाइफ में इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को यह कहीं बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करता है WPI की तुलना में। नहीं तो हम ऐसा क्यों कहते कि यह WPI की तुलना में मुद्रास्फीति के प्रभाव का बेहतर संकेतक, ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है? ऐसा कहने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है, अगर आप चीजों को देखें, नहीं, डे टू डे के जीवन से संबंधित मदों को अधिक भारांश दिया गया है। और दूसरा देखें तो CPI के लिए किसको आधार बनाया जाता? खुदरा कीमतों को आधार बनाना। कंफ्यूज मत करेंगे, यहाँ जब कह रहे हैं खुदरा कीमतों को आधार बनाया जाता तो यहाँ रिटेल प्राइस का मतलब क्या है? इसमें तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। नंबर वन, रिटेल प्राइस के अंतर्गत फैक्ट्री कॉस्ट। नंबर टू, जब हम रिटेल प्राइस की बात करते तो उसके अंतर्गत क्या आता? तो फैक्ट्री कीमत के अलावा अगर आप जाकर के देखें टैक्स। और तीसरा, जब हम रिटेल प्राइस की बात करते तो परिवहन लागत। सही मायने में अगर आप देखें तो यह भी उस मूल्य को रिप्रेजेंट नहीं करता जो प्राइस कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, लास्ट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखें तब प्राइस में इनके अलावा ये सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज है, और ये सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज के कारण देखें हर इंटरमीडियरीज के जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने कमीशन कर लें, अपने प्रॉफिट कर लें, इंक्लूड होते होते कीमतें क्या होती हैं, वास्तविक कीमतें काफ़ी बढ़ जाती। तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अप्रैल 2014 में RBI द्वारा मुद्रास्फीति के आकलन के लिए औपचारिक रूप से किसको आधार बनाया गया? औपचारिक रूप से CPI कंबाइंड को आधार बनाया जाना। ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो इसके कंटेक्स्ट में कुछ और चीजों को देखने की जरूरत है। नहीं, आप अगर देखें
इन्फ्लेशन के संदर्भ में आरबीआई की सीलिंग क्या है, 4% प्लस माइनस 2, ठीक है। अर्थात इन्फ्लेशन अगर 2% से 4% के बीच, 2% से 6% के बीच वैरी कर रही है, मैंने आपके साथ चर्चा की थी ना कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर देखें तो 3 से 4% का इन्फ्लेशन क्या माना जाता है, प्रो ग्रोथ माना जाता है, ग्रोथ के लिए सपोर्टिव माना जाता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के मद्देनजर एक इन्फ्लेशन कैप इंट्रोड्यूस किया 4% प्लस माइनस 2 का। तो 4% माइनस 2 2% और 4% प्लस 2 6%। इसका मतलब यह है कि जब तक इन्फ्लेशन रेट 2% से 6% के बीच वैरी कर रही है तब तक आरबीआई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर इस कैप को जो है वह बाईपास करता है इन्फ्लेशन रेट, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई इंटरफेयर करेगी। और आरबीआई का इंटरफेरेंस किसके माध्यम से होता है, एमपीसी के जरिए हस्तक्षेप। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति को जो है यह जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वह इन्फ्लेशन की स्थितियों पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए हस्तक्षेप कर सके। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण मासिक लगातार पढ़ रहे हैं, धरा गई है क्या निधि, पढ़ रही हो? अरे हाँ या ना? अरे इस मंथ की बात नहीं कर रहे, इस मंथ ने पिछले मंथ का पढ़ा था, उसके पिछले मंथ का पढ़ा, आंसर होगा नहीं। तो फिर जब नहीं पढ़ रहे हैं तो इस मंथ का नहीं पढ़े हैं जोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब आप हमको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? चंदा चल रहा है, पढ़ रही हो? तब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दर्पण में चर्चा आती है, आर्थिक घटनाक्रम में कब कब आती है जरा बताओ, क्या वार्षिक, खाना, रात में कितनी रोटी खाती हो? एकदम आवाज को एकदम शरीर के अनुरूप रखो, बुलंदी दिखनी चाहिए। क्या कन्हैया जी, मंथली चर्चा आती है मौद्रिक नीति समिति की, शानदार। क्या नहीं नहीं, ये तो आप या क्या है, ये एक मंथ भी आप ही बोल रहे हैं, मंथली भी आप ही बोल रहे हैं, तीन मंथ पर आप ही बोल रहे हैं, फिर दो, तो जो चीज़ याद रखना चाहिए, जो चीज़ भूलनी चाहिए वो चीज़ें याद रखेंगे, तो जो चीज़ें याद रखनी चाहिए वो भूलेंगे नहीं। हर दो महीने पर अल्टरनेट मंथ आप देखेंगे मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, और मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए वो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो भी फेरबदल करना हो। तो अल्टरनेट मंथ के दर्पण में आप देखेंगे मौद्रिक नीति समिति की चर्चा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये बातें स्पष्ट हुई? तो ये प्रश्न के जोन है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कुछ और भी है, जैसे आप देखेंगे एक है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक भी MoSPI के द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर CPI ब्रैकेट में IW, उसके कंटेक्स्ट में देखें उसको भी मासिक आधार पर जारी किया जाता है, और ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। और इसके लिए बेस ईयर जो अपनाया गया है 2016। बातें स्पष्ट हुई? तो अगर आप जाकर के देखें इन्फ्लेशन से जुड़े हुए उठा करके आप देख लें, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उसी इसी एरिया से उठा करके पूछे जाएंगे, 99% प्लस, 1% के लिए मैं स्पेस बचा करके रख। और अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता है तो कई बार आप क्या देखेंगे WPI और CPI में कंफ्लिक्टिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन के मिलते हैं या नहीं। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर इन्फ्लेशन के कंफ्लिक्टिंग ट्रेंड मिलते हैं तो क्यों कन्फ्लिक्टिंग ट्रेंड मिलते हैं आप इसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपके सामने ये बातें आती हैं कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है, कमी आई है, तो वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं आप मदों और मदों के भारांश के संदर्भ में बड़ी आसानी से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पढ़ने का यही तरीका है, रटने से अगर बचना है तो पढ़ने के इस तरीके को अपनाना होगा। बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट मूव करें, ठीक। अब अगर हम देखें, एक टर्म सुना है ट्विन डेफिसिट का, अब अगर हम जाकर के देखें तो टॉपिक मैं पिक कर रहा है, और वो टॉपिक क्या पिक कर रहा, जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया इन्फ्लेशन चार्ट, उसी तरह हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं
एक्सचेंज रेट साइकिल, एक्सचेंज रेट चार्ट, ये भी प्रश्न का एक महत्वपूर्ण डायमेंशन है। ठीक, सवाल यह उठता यहाँ पर, पहले हम समझें इस चीज को, आप कभी भी पूछूंगा मैं, तैयार रहिएगा, आज नहीं। अब अगर जाकर के देखें, पहला प्रश्न उभर कर सामने आता, प्रश्न यह उभर कर सामने आता कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, इट मीन, व्हाट डज इट मीन, विनिमय दर का मतलब क्या है, नहीं? तो विनिमय दर का मतलब है वह दर जिस दर पर घरेलू मुद्रा को किसमें कन्वर्ट करते, विदेशी मुद्रा में, जिस दर पर यह कन्वर्जन होता उसी दर को क्या कहते, उसी दर को हम विनिमय दर कहते। ठीक है, विनिमय दर के कंटेक्स्ट में देखें तो तीन स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। सवाल यहां पर यह उभर करके आता कि ये जो विनिमय दर है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, नहीं? क्योंकि विनिमय दर के संदर्भ में अगर आप जाकर के देखें, दो कॉन्सेप्ट, एक क्या है नियर और दूसरा क्या है रियर, ये सारे प्रश्न के डायमेंशन है। ऑलरेडी पूछा जा चुका है नियर क्या है, रियर क्या है। नियर का मतलब क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और रियल क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नहीं? अगर आप जाकर के देखें तो सवाल यहां पर यह उभर करके आता, ये रियर क्या है, जब नियर के साथ, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ इन्फ्लेशन के डिफरेंस को समायोजित किया जाता है, व्हेन डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट व्हेन डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द टू कंट्री इज एडजस्टेड विथ नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज कॉल्ड रियर। जैसे अगर अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष हम देखें, तो अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष अगर देखें, तो अगर हम डॉलर और रुपये के एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो अगर हम देखें अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कितना है, अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है मान लीजिए 0.5% है, और भारत में इन्फ्लेशन कितना है, 5%, नहीं? तो इसका असर तो एक्सचेंज रेट पर भी पड़ेगा, नहीं? तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है, ये जो होता है, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, जबकि यह रियर जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, इन्फ्लेशन के प्रभाव को समायोजित करते, और जब इन्फ्लेशन के प्रभाव को समायोजित करते हैं तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का पता चलता है। अब सवाल यह उठता है कि एक्सचेंज रेट का निर्धारण कैसे होता, तो बेसिकली अगर हम देखें, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सिंपल करूंगा, 1991 के पहले भारत में अगर आप देखें, नियंत्रित विनिमय दर व्यवस्था थी। नियंत्रित विनिमय दर व्यवस्था थी का मतलब क्या हुआ, नहीं? इसका मतलब यह था RBI द्वारा एक्सचेंज रेट का निर्धारण, और इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे के रीजन को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अगर आप देखें तो यह क्लोज्ड इकोनॉमी थी, भारत की अर्थव्यवस्था जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, नहीं? शेष विश्व के साथ जो है, जो ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, उसको लेकर हमारा नजरिया नकारात्मक था, हम उसको प्रमोट नहीं करते थे, हम उसको डिमोट करते थे। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी जो भी होगी, इन दोनों को इंटररिलेट करें, क्लोज्ड इकोनॉमी जो भी होगी वहां पर विनिमय दर व्यवस्था कैसी होगी, वहां पर आपको विनिमय दर व्यवस्था, नियंत्रित विनिमय दर व्यवस्था होगी, कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, अर्थात विनिमय दर का निर्धारण जो है वह सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम होगा। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था जो होगी, जो ओपन इकोनॉमी होगी, ओपन इकोनॉमी में ध्यान रखेंगे बाजार प्रचलित विनिमय दर व्यवस्था होगी, बाजार प्रचलित एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्सचेंज रेट का निर्धारण बाजार कारकों के द्वारा, और जब मैं कह रहा हूं कि एक्सचेंज रेट का निर्धारण बाजार कारकों द्वारा होता है, तो बाजार कारक का मतलब, बाजार कारक का मतलब, तो बाजार कारक का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। मैंने चर्चा की थी ना, जब करेंसी की चर्चा हो रही थी, तो करेंसी की चर्चा के क्रम में हमने क्या कहा था, जब करेंसी पर हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने हार्ड करेंसी की चर्चा की थी और हमने सॉफ्ट करेंसी की चर्चा की थी, याद है या भूल गए, बताइए अंशु जी, याद है क्या अंतर है हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी में? हाँ, आसान शर्तों पर, और हार्ड करेंसी में हार्ड होता है लोहे की तरह, क्या मतलब ये? हार्ड करेंसी मतलब जो ज्यादा इसका वैल्यू ज्यादा है।
तो दोनों बात तो आप ही बतला रहे हैं। मन चंचल जी उदास, जौल में खराची लगल है प्यास। और इसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। हार्ड करेंसी के बारे में कहा था, जिसका डिमांड ज्यादा हो और उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो वो हार्ड करेंसी होगा, और सॉफ्ट करेंसी नहीं, सॉफ्ट करेंसी जो आसानी से उपलब्ध हो। ऑब्वियसली आसानी से कौन सी करेंसी उपलब्ध होगी, जिसका डिमांड कम होगा। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के कंटेक्स्ट में एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें 1991 में, 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे किधर मूव करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, बंद से खुली अर्थव्यवस्था की ओर, बंद से खुली अर्थव्यवस्था की ओर। ठीक है, इसका मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए खोलना शुरू किया, हमने अपनी नेशनल इकोनॉमी के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटरैक्शन को प्रमोट करना शुरू किया, हमने अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना शुरू किया। तो अगर हमने ऐसा शुरू किया तो ऐसी स्थिति में जाकर के देखें एक्सचेंज रेट पर भी तो असर पड़ना चाहिए नहीं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो क्या होता, 1991 में आप देखेंगे उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात उदारीकृत विनिमय दर, इसको हमने अडॉप्ट किया। इसके तहत हमने क्या किया, 40% जो है एट गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट और 60% एट मार्केट एक्सचेंज रेट। थोड़ा सा समझे, फिर एक शब्द है परिवर्तनीयता, कन्वर्टेबिलिटी। यहां से भी प्रश्न उठा करके पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। परिवर्तनीयता का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी, मतलब दोनों को एक दूसरे में बदलने की छूट, ये क्या कहलाती है, इसे ही परिवर्तनीयता कहते हैं। अगर फ्रीली एक्सचेंज कर सकते तो परिवर्तनीयता है, फ्रीली एक्सचेंज नहीं कर सकते तो परिवर्तनीयता नहीं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रख सकते, परिवर्तनीयता हो भी सकती है, परिवर्तनीयता नहीं भी हो सकती। अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बात करें, इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो 1991 के पहले परिवर्तनीयता नहीं थी। अगर इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखें, हो भी सकती है का मतलब पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से, पार्शियली। कन्वर्टेबिलिटी फुल कन्वर्टेबिलिटी भी हो सकती है और पार्शियली कन्वर्टेबिलिटी भी हो सकती है, ये बात समझिएगा। अब अगर आप जाकर के देखें वर्तमान स्थिति क्या है, रुपये की फुल कन्वर्टेबिलिटी है या पार्शियली कन्वर्टेबिलिटी है, जल्दी बोलिए। क्या बोलिए, बोलो बोलो, आधा बोल के चुप मत, पार्शियली है। क्यों पार्शियली है, फुल क्यों नहीं है। वर्तमान भारतीय परिदृश्य क्या है, नहीं तो वर्तमान भारतीय परिदृश्य है रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता है। अब आंशिक परिवर्तनीयता क्यों है, क्यों और कैसे, सही कहा है, लेकिन यह भी तो पता होना चाहिए क्यों और कैसे, क्योंकि तुक्का भी तो हो सकता है। क्या, अरे वो मत समझाइए, कैसे है बतलाइए, क्या स्थिति है ये बतलाइए, एग्जैक्ट स्थिति बतलाइए। तो ये तो बढ़िया चीज, कहा 2014 में कितना था, क्या ये अभी दिक्कत है भाजपा समर्थकों के साथ, ये बड़ी समस्या है। सच वोट दे दिए ना, हाँ दिलवा दिए ना, तो मैं भी कह रहा हूँ। सामो पुल पर चढ़े होंगे, समझ नहीं, नहीं घर रहेगा, देश रहे ना रहे, तो मूल जो प्रश्न है समझ, यही लॉजिक एग्जैक्ट होने चाहिए, कि केवल ये कहने से कि इस समय ये था इस समय ये था ये कहने से नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, तो जब भी परिवर्तनीयता की बात करते तो हमेशा यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, व्यापार खाते के कंटेक्स में देखो बेगूसराय का पानी कड़क है समझ, और अरे अब आगे बढ़नी है ना वहां से, और उसमें भी रामदीरी का
वही रामदेनी पंसल्ला सीमा ये सब जो है ट्रेडमार्क है। ठीक है, अगर आप कहें तो हमारा एक मित्र हुआ करता था, वो कहता था कि बेगूसराय और हरियाणा में ज्यादा का फर्क नहीं है, समझ, क्योंकि दोनों जगह के लोग जो है इससे कम काम लेते हैं, इससे ज्यादा काम लेते हैं, और पानी करा दोनों जगह का। तो अगर हम देखें जब परिवर्तनीयता की बात करते, ट्रेड अकाउंट के कंटेक्स्ट में परिवर्तनीयता की बात होती है, करंट अकाउंट के कंटेक्स्ट में परिवर्तनीयता की बात होती है, यही चीज कहता हूं, आधी अधूरी जानकारी नहीं रखें। जब तक पूरी जानकारी नहीं रखेंगे ना, समस्या बनी रहेगी, और तब आप लॉजिकली सोच पाने की स्थिति में नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और तीसरा, कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में मैं अभी चर्चा करूंगा इसके कंपोनेंट की, क्योंकि चूंकि परिवर्तनीयता की चर्चा कर रहा हूं तो इसके रेफरेंस आएंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो वर्तमान परिदृश्य में बात करूं तो ट्रेड अकाउंट के संदर्भ में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है। अगर आप करेंट अकाउंट के कंटेक्स में देखें तो रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता है। अगर आप कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स में देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता है। ठीक है, एंड Why? रुपीज इज पार्शियली कन्वर्टेबल इन कैपिटल अकाउंट, इसको कैसे हम कहेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाहर से फॉरेन करेंसी लाने की पूरी छूट है। ठीक है, लेकिन भारत से बाहर करेंसी ले जाने की पूरी छूट नहीं। इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, यह आंशिक छूट है, यह पूरी छूट नहीं है, यह आंशिक छूट है, पार्शियली, इट इज पार्शियली परमिसेबल। ठीक है, और आंशिक छूट का मतलब क्या है इसके कंटेक्स्ट में देखें, सरकार आरबीआई का हस्तक्षेप है, उसकी अनुमति की जरूरत होगी। अब बातें समझ में आई? अब जो पिछला हम डिस्कस कर रहे थे, अब वापस लौटे यहां से, और इसलिए हमने कहा कि अभी भी फुल कन्वर्टेबिलिटी रुपी की नहीं है, रुपीज फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, फ्रीली आप रुपीज को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, जब मन चाहे जितना मन चाहे उतना ला सकते हैं और उतना ले जा सकते हैं। अभी लाने की तो छूट है, लेकिन अभी ले जाने की छूट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज पार्शियली कन्वर्टेबल। बातें स्पष्ट हुई? बढ़ो आगे। अब अगर आप जाकर के देखें, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बात कर रहे हैं, ये जो है व्यापार खाते के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो विनिमय दर की व्यवस्था के उदारीकरण की दिशा में भी पहल की गई, अर्थात नियंत्रित विनिमय दर व्यवस्था से, नियंत्रित विनिमय दर व्यवस्था से बाजार प्रचलित विनिमय दर व्यवस्था की ओर एक कदम बढ़ाया गया, और उसी कदम के तहत ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेक्स्ट में जो फॉरेन करेंसी की जरूरत थी उसको, उसके संदर्भ में एक मिक्स सिस्टम को एडॉप्ट किया गया, अर्थात आयात और निर्यात के मदों में फॉरेन करेंसी की अगर जरूरत थी तो, या फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में बदलना था तो 40% जो करेंसी है उसको सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर बदला जाता और 60% को किसके आधार पर, बाजार प्रचलित विनिमय दर पर। 1993-94 में देखें, 93-94 में ट्रेड अकाउंट के संदर्भ में रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय, ट्रेडिंग अकाउंट के संदर्भ में रुपीज को क्या किया गया, फुल्ली कन्वर्टेबल बनाया गया 1993-94 में, अर्थात अब ट्रेडिंग अकाउंट के संदर्भ में इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को जो है इस बात की छूट दी गई कि वे बाजार प्रचलित विनिमय दर पर फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में और डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकें, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। अगेन आप जाकर के देखें 94-95 में चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं। व्यापार खाते की जब हम बात कर रहे हैं, अभी चर्चा मैं करूंगा, तो व्यापार खाते में क्या आते, पन्न, आयात निर्यात, मर्केंटाइज ट्रेड व्यापार खाते में आता, वस्तुगत आयात निर्यात व्यापार खाते में आता। अगर हम चालू खाते की बात करें तो चालू खाते में मर्केंटाइज ट्रेड आएगा, चालू खाते में सर्विसेज ट्रेड आएगा, चालू खाते में देखेंगे अदृश्य मद आएंगे, अदर इनविजिबल। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट ट्रांसफर हो,
चाहे प्राइवेट ट्रांसफर हो, निजी अंतरण हो, सरकारी अंतरण हो, अनुदान हो, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आगे चल करके देखें भारत ने क्या अडॉप्ट कर रखा है। भारत ने मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपना रखा, ना कि फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है वह मतलब डिमांड और सप्लाई फैक्ट के आलोक में विनिमय दर का निर्धारण होता है। किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता फ्री फ्लोटिंग की स्थिति में। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता? मैनेज फ्लोटिंग की बात करें तो मैनेज फ्लोटिंग की स्थिति में देखेंगे आरबीआई द्वारा एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस की निगरानी की जाती है। आरबीआई द्वारा एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की निगरानी की जाती है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप, प्रत्यक्षता नहीं परोक्षता। डायरेक्ट इंटरफेयर आरबीआई नहीं करती है, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है आरबीआई का। और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस कैसे होता? नहीं तो विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री के जरिए। अगर रुपया लगातार गिर रहा है तो आरबीआई क्या करेगी? डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगी। कैसे डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगी? तो अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को मार्केट में जारी करेगी। और अगर रुपया मजबूत हो रहा है, ठीक है, तो उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस को चेक करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? डॉलर को खरीदेगी ताकि एक्सचेंज रेट में रुपये और डॉलर के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। तो डायरेक्ट इंटरफेयर एक्सचेंज रेट निर्धारित नहीं कर रही है, बल्कि फॉरेन करेंसी के जो है सेल और परचेज के जरिए उसकी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है ताकि एक्सचेंज रेट के संदर्भ में स्थिरता प्रदान की जा सके। और इसलिए आज भी फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हमने अडॉप्ट नहीं किया है। आज भी जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है वह किस कैटेगरी में आएगा? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की कैटेगरी में आएगा। प्रबंधित विनिमय दर व्यवस्था, प्रबंधित तरलीकृत विनिमय दर व्यवस्था। सामान्य स्थिति में यह फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरबीआई के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। कोई डाउट? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कंटेक्स्ट में आप देखेंगे 1997 में तारापोर समिति का गठन किया गया, उसको तारापोर समिति 1 कर देंगे, और 2006 में तारापोर समिति 2 का गठन किया गया। प्रश्न उठा करके पूछा जा सकता कि तारापोर समिति जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तारापोर समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, तारापोर समिति जो है वह उसका संबंध जाकर जुड़ता है रुपये की परिवर्तनीयता से। और थोड़ा सा और स्पष्ट करें तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज इन कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता से उसका संबंध जुड़ता है। और तारापोर समिति ने जो रिकमेंडेशन दिया था पूंजीगत खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने का सुझाव दिया, फुल कन्वर्टेबिलिटी का सुझाव तारापोर समिति ने दिया था। तारापोर समिति 1 ने 1999 2000 तक रुपये को पूंजीगत खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने का सुझाव दिया 1992-99-2000, और तारापोर समिति 2 ने पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता के संदर्भ में एक रोड मैप प्रस्तुत किया। और ये सारे प्रश्न के जोन हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलट करके देखें, यहाँ तक में कोई दिक्कत? बढ़े आगे, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि हम वापस कहाँ लौट रहे हैं? हम वापस लौट रहे हैं एक्सचेंज रेट चार्ट की तरफ। इस चार्ट को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी जमकर के पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट महत्वपूर्ण है। एक्सचेंज रेट में परिवर्तन, ठीक है, और दूसरे के परिवर्तन का कारण रुपये की मजबूती, और रुपये की मजबूती का मतलब क्या है? रुपये की क्रय क्षमता में, और दूसरे ही रुपये की कमजोरी, रुपये की कमजोरी, और रुपये की कमजोरी का मतलब रुपये की क्रय क्षमता में, परचेजिंग पावर में कमी। नहीं, अब अगर हम जाकर के देखें बाजार कारक मतलब मांग आपूर्ति, दूसरा सरकारी हस्तक्षेप। अब सवाल यह उठता सरकारी हस्तक्षेप कब और क्यों, इसका प्रभाव अगर देखें, टर्म यूज होता है मनी एप्रिसिएशन, मुद्रा संवर्धन। दूसरा टर्म होता
रिवैल्यूएशन अधिमूल्यन, तीसरा टर्म है डेप्रिसिएशन, इसे कहते हैं मुद्रा ह्रास, और चौथा है डिवैल्यूएशन अवमूल्यन। अब इसको पढ़ें। जब रुपये की मजबूती बाजार कारकों का परिणाम हो, बाजार कारकों के परिणाम का मतलब जब डॉलर की मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति, जब डॉलर की आपूर्ति ज्यादा होगी, मांग कब होगी, ऐसा कब होगा, रुपया कब मजबूत होगा, डॉलर की आपूर्ति ज्यादा मांग कम, तब रुपया क्या होगा, डॉलर कमजोर होगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जाकर के देखें, डॉलर कमजोर होगा और रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। और अगर हम जाकर के देखें, रुपया कमजोर कब होगा, जब यूएसडी की मांग ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में डॉलर मजबूत होगा, रुपया क्या होगा, रुपया कमजोर होगा। ठीक है, तो अगर हम जाकर के देखें, तो जो बातें मैं कह रहा था कि अगर रुपये की मजबूती बाजार कारकों का परिणाम है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, वह स्थिति एप्रिसिएशन की स्थिति कहलाएगी। और जब रुपये की कमजोरी, जब रुपये की कमजोरी किसका परिणाम है, बाजार कारक का परिणाम है, तो वह स्थिति डेप्रिसिएशन की स्थिति कहलाएगी। और ऑब्वियसली अगर आप देखें, तो बाजार कारकों का से कब ज्यादा होगा, कब प्रभावी होंगे, ओपन इकोनॉमी में, जब अर्थव्यवस्था खुली होगी, तभी तो बाजार कारक प्रभावी होंगे, तभी तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर के कंटेक्स्ट में एक्सचेंज रेट निर्धारित होगा और एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होंगे। बातें स्पष्ट हो रही है या नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, ये जो सरकारी हस्तक्षेप की बात हम कर रहे हैं, ये सरकारी हस्तक्षेप कब होगा, कब होगा, जब अर्थव्यवस्था बंद होगी। हस्तक्षेप के स्कोप कब ज्यादा होंगे, जब अर्थव्यवस्था बंद होगी, खुली अर्थव्यवस्था में तो हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, जब रुपये की मजबूती सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो, तो वह स्थिति रिवैल्यूएशन कहलाती है। और जब रुपये की मजबूती, जब रुपये की कमजोरी सरकारी हस्तक्षेप का परिणाम हो, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, डिवैल्यूएशन की स्थिति कहलाती है। देखिए, एक बात अक्सर मैं कहता वह यह कि पृथ्वी गोल है, ये दो ही जगहों पर दिखेगी, एक भूगोल में, दूसरा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में भी एक जगह से आप यात्रा शुरू करें और वन डायरेक्शनल अगर आपकी सोच होती चली गई तो कोलैप्स। ठीक है, अंतर विरोधों का प्रबंधन राजनीति की भी व्यवस्था है और अंतर विरोधों का प्रबंधन इकोनॉमी की भी विशेषता है। अब आप, हम ये जाकर के देखें, तो ये जो सरकारी हस्तक्षेप कब संभव होगा, डिवैल्यूएशन की स्थिति कब होगी, क्योंकि हम ये चीज देखें, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, रुपया अगर मजबूत होगा तो यहां पर ध्यान रखेंगे निर्यात महंगा होगा, आयात सस्ता होगा। नहीं, तो अगर रुपया मजबूत होता है, निर्यात महंगा होगा, तो निर्यात में कमी आएगी, क्योंकि निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आयात सस्ता होगा तो आयात में वृद्धि होगी। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पर, व्यापार संतुलन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, भुगतान संतुलन पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो कोई अर्थव्यवस्था आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था अगर है, ध्यान रखिएगा, कोई अर्थव्यवस्था आयात पर अगर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसी स्थिति में एप्रिसिएशन, उसी स्थिति में रिवैल्यूएशन जो है, उस अर्थव्यवस्था की में सपोर्टिव रोल प्ले करें। एट द सेम टाइम, और हाथ चलाते रहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही है, नहीं, ठीक है, और चीजों को समझना और चीजों को समझते हुए लगना कि हम चीजों को समझ रहे हैं, दोनों में अंतर होता है, और कन्हैया जी से बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। ठीक उसी प्रकार देखें, एट द सेम टाइम अगर हम मूव करें, चाहे डिप्रिसिएशन की बात करें, चाहे डिवैल्यूएशन की बात करें, निर्यात इसके कारण क्या होगा, निर्यात सस्ता होगा, और निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी। आयात क्या होगा, आयात महंगा होगा, नहीं, आयात में कमी आएगी। अगर ऐसा होता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड पर पॉजिटिव असर इसका दिखेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, भुगतान संतुलन पर
पॉजिटिव असर दिखेगा। ऐसी स्थिति में फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा, वृद्धि की संभावना होगी। यहाँ पर अगर आप जाकर के देखें, तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या होगा, कमी की संभावना होगी। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? अब अगर जाकर के देखें, डिवेल्युएशन सरकार के द्वारा कब किया जाएगा, अवमूल्यन कब किया जाएगा, जब निर्यात को निर्यात प्रोत्साहन के लिए नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सुधार के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में सुधार के लिए। बातें स्पष्ट हुई नहीं? ये चीजें रिवैल्यूएशन कब होंगी, रिवैल्यूएशन की स्थिति कब होगी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में। रिवैल्यूएशन की स्थिति कब होगी, बंद अर्थव्यवस्था में। रिवैल्यूएशन की स्थिति कब होगी, जब आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था नहीं। रिवैल्यूएशन की स्थिति कब होगी, जब अगर आप देखें तो जब रुपये की मजबूती जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए खतरा बनने लगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए खतरा बनने लगे। बातें स्पष्ट हुई? तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, बढ़े यहां से आगे समझने में कोई दिक्कत, एक एग्जांपल देके बतला दूं। 2020 मई को एक डॉलर जो है 80 रुपया, अब जाके देखने मत लगिएगा, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। 25 मई को एक डॉलर जो है 85 रुपया और 30 मई को एक डॉलर जो है वह 80 रुपया हो, तब ये बताइए कहां पर डिप्रिसिएशन हो रहा है और कहां पर एप्रिसिएशन हो रहा है। मतलब यहां डिप्रिसिएशन नहीं, अर्थात एक डॉलर खरीदने में पहले 80 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब 85 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब रुपये की क्रय क्षमता क्या हुई, घट गई, यही तो डिप्रिसिएशन है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, यहां पर क्या है एप्रिसिएशन, अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो 20 मई को $1,000 का जो है विदेशी आयात करते भारत से, तो $1,000 का आयात करते तो उन्हें कितने के सामान मिलते, 25 मई को कितने के मिलेंगे, ये 20 मई की बात, 25 मई को कितने मिलेंगे, 85,000 नहीं। तो अगर हम देखें निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता क्या हुई, निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी, भारतीय निर्यात विदेशी बाजारों में सस्ते होंगे, और भारतीय निर्यात अगर विदेशी बाजारों में सस्ते होंगे तो क्या होगा, भारतीय निर्यात अगर विदेशी बाजार में सस्ते होंगे तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी मांग बढ़ेगी और इससे भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, तो 20 मई को $1,000 का आयात अगर हम करते थे सामान का, तो उसके लिए 80,000 हमें पे करने पड़ते थे, अब 85,000 पे करने होंगे, तो आयात महंगा हुआ, आयात महंगा होगा तो आयात की प्रतिस्पर्धात्मकता क्या होगी, कमजोर होगी, और आयात की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयात में कमी आएगी नहीं, उसका फायदा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होगा, आयातित उत्पाद महंगे होंगे और उसका फायदा डोमेस्टिक इंडस्ट्री और डोमेस्टिक प्रोडक्ट को होगा। एप्रिसिएशन की स्थिति में यही क्या होगी स्थिति, एप्रिसिएशन की स्थिति में कल तक जो प्रोडक्ट 80,000 में, एप्रिसिएशन की स्थिति में कल तक जिस प्रोडक्ट के लिए 80,000 पे करने होते थे उस प्रोडक्ट के लिए 85,000 पे करने होंगे, तो निर्यात महंगा होगा, आयात क्या होगा, सस्ता होगा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, और इसलिए अगर आप देखें यहां से एक और डायमेंशन ध्यान रखेंगे, डायमेंशन यहां पर क्या ध्यान रखना है, प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। अब तक अवमूल्यन का जो परिदृश्य रहा, तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में 3 बार अवमूल्यन हुआ है, कब कब, 1949 में, ठीक है, क्यों, संसाधनों का अभाव, और यहाँ संसाधन की बात किसके कंटेक्स्ट में हो रही है, फॉरेक्स। दूसरी बार अगर आप जाकर के देखें 1966 में भारत चीन युद्ध ने ऐसी परिस्थितियां, भारत चीन भारत पाक युद्ध के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो 1991 में, और 1991 में अगर आप जाकर के देखें तो 1991 में जो अवमूल्यन होता है वित्तीय संकट, भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए। इनमें ध्यान रखेंगे 1966 में जो अवमूल्यन हुआ, 1966 में जो अवमूल्यन हुआ वो 57% का, मतलब अगर देखें उस समय 1 रुपया 4.76 रुपया था $1, और इसे क्या कर दिया गया 7.50, 57% का अवमूल्यन हुआ। एक बार कहीं पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है,
तो ये जो है एक्सचेंज रेट चार्ट है, जिस एक्सचेंज रेट चार्ट में हमने किसको देखा, हमने एप्रिसिएशन को देखा, हमने डेप्रिसिएशन को देखा, हमने रिवैल्यूएशन को देखा, हमने डिवैल्यूएशन को देखा। क्लियर? यहां तक में कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की दुविधा हो पूछ सकते क्या? अभी के कंटेक्स्ट में भी, अभी के कंटेक्स्ट में अगर देखें, जिसका भी बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके अगेंस्ट होगा, जैसे चाइनीज इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था है, और इसलिए देखेंगे चाइना पर यह आरोप लगाया जाता है कि चाइना ने कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अपना रखा है, जानबूझ करके युआन को, जो चीनी करेंसी है, जानबूझ करके उसको कमज़ोर बनाए रखा है। अगर उसको मतलब आप कह लें कि वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाए, तो जिस तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में है, जिस तरह से, और यह फेवर में जो है वो नियर अबाउट 500 बिलियन फेवर में है, तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो युआन तेज़ी से मजबूत होगा, और युआन अगर तेज़ी से मजबूत होगा, चूँकि डॉलर की आपूर्ति ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगा, निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब यही नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो युआन मजबूत होगा, युआन मजबूत होगा तो इससे झटका किसको लगेगा, चीन के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी को झटका लगेगा, क्योंकि युआन के मजबूत होने का मतलब होगा चीनी निर्यात का महंगा होना, चीनी निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर नहीं, और अगर उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तो चीनी निर्यात में कमी आएगी, जिससे चीन के इकोनॉमिक ग्रोथ को झटका लगेगा। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी अगर आप देखें, ठीक है, यद्यपि ये टर्म बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लगता, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी जो है इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, आयात पर आधारित अर्थव्यवस्था है। आज भी अगर देखें तो भारतीय निर्यात की तुलना में भारतीय आयात जो है लगभग दोगुने के स्तर पर है, लगभग दोगुने के स्तर पर है। तो इसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि ये इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। बातें स्पष्ट हुई यहाँ तक में? और कोई प्रश्न नहीं तो आज यहीं रहने दें, कल हम किसको पिक करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को।